फोटोशूट। बचपन में हम यहाँ से आते थे ये रास्ते और कोई मम्मी लोग डिसाइड कर सत्या ने हत्या कर दिया। Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel again. आज है 1st January and I wish all of you a very happy new year. I hope आप सभी लोगों का 2023 बहुत ज़्यादा अच्छा जाए. एंड आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मोस्ट प्रोबेबली चित्तय और कसार देवी जाएंगे, मतलब मैं, पापा, दीदी और मम्मी. तो आप लोगों ने कसार देवी तो देखा ही है, आज आपको दिखाऊंगी चित्तय. तो चलो चलते हैं. हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं मम्मी आगे. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर तन्नू. तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर दूध लेने, आज हम दूध ही लाना भूल गए. उसके बाद घर वापस जाके फिर मंदिर जाएंगे. जा रहे हैं मंदिर, चलो चलते हैं. हमें चाचा और चाची मिल गए. हेलो. और ये लोग दर्शन करके आ गए हैं और हम अभी जा रहे हैं. मम्मी ले रही है पूजा का सामान. और हम आ गए हैं चित्तय मंदिर, अल्मोड़ा के गोलू देवता मंदिर. चित्तय बहुत फेमस है, बहुत लोगों को पता है. माता रानी का मंदिर. ये मम्मी और दीदी खड़े हैं और ये जा रहे हैं मैया के दर्शन करने. तू भी जा कर लो. और ये है यहाँ की सबसे बड़ी घंटी. एक ये है और एक ये है सबसे बड़ी घंटी. ये है यहाँ पे छोटी सी मार्केट जहाँ पे सिर्फ पूजा का सामान मिलता है और थोड़े बहुत रेस्टोरेंट वगैरह है. और ये है मंदिर. और ये अंकल हमारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं कसार देवी मंदिर. हम आगे हैं कसार देवी और ये मम्मी लोग जा रहे हैं ऊपर को, मैं भी जा रही हूँ, फिर आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी. वैसे कसार देवी तो आपने देखा ही है पहले भी, बट आज मैं आई हूँ मम्मी पापा लोगों के साथ तो दिखाऊंगी आपको. और चित्तय से अभी अभी बस हम पहुंचे ही हैं और जा रहे हैं ऊपर को. कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत बढ़िया. बंदरों के डर से प्रसाद मैंने यहाँ छिपा दिया है. दिखाओ ये ये बंदर आ रहे हैं यहाँ बहुत सारे. देखो ऊपर से एक आगे है. कितने दिनों बाद दशहरे में आए थे ना लास्ट टाइम? हाँ दशहरे में जब बुआ लोग आए थे तब हम सब लोग आए थे.
दशहरे में, बड़ा मजा आया था तब भी बंदर। तो लास्ट टाइम हम आए थे, मतलब हम सब लोग, मैं तो आ गई हूँ बहुत बार, पिछली बार हम आए थे सब लोग बुआ लोगों के साथ, जब बुआ लोग आए थे दशहरे में, और हम बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनके साथ आएंगे। हाँ, फिर वो लोग आएंगे ना अब मे बी गर्मियों में, तो उनके साथ आएंगे फिर से। मम्मी लोग ऊपर पहुँच चुके हैं और मैं अभी नीचे ही हूँ, जा रही हूँ। यहाँ पे पहले से ही ध्यान करने को बैठ गई है, देखो बंदर बैठा है यहाँ पे। गाइस देखो, इतने खतरनाक बंदर से सामना करके आई हूँ मैं। मम्मी कौन सा गाना गा रही है? तू ही दाता, तू ही विधाता, तू ही तो है दाता का। आता ही नहीं है खाली भी। कुछ भी गा रही है, कुछ भी गा रही है। जय शिव ओंकार, मम्मी ये वाली चट्टान में चले। क्यों चट्टान पट्टान में नहीं जाते बेटा? क्यों नहीं चलते हैं ना वहाँ पे? जगह पे जाना ही नहीं चाहिए। हम तो वहाँ कितने बार गए हैं। तुम्हारी बात अलग है मम्मी, ठंडा हो गया। हाँ ये वाली चले, देखो वहाँ पे लोग भी है, वहाँ से तुझे धक्का दे दूंगी। तू यही कर सकती है, तुझसे एक्सपेक्टेशन मुझे इतनी है। Only live once, but if you do it right, once is enough, okay? यहाँ पे लिखा है। तुझे भी खांसी होने लग गई। ये तेरी चांद वालियाँ है होंठों पे ये गाली। पिछली बार तूने और टूटू जी ने यहाँ पे इसी में रील बनाई थी ना? ये तेरी चांद ऐसे किया था, उड़े नहीं लेकिन तुम्हारे बाद। सनसेट तेरी चांद पालिया है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया दिया है। मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा। हमें मंदिर वाले देखेंगे, वो कहेंगे क्या करना है यहाँ। चलो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, उसके बाद हमें भूख लग रही है तो हम कुछ खाते हैं। फिर दीदी का फास्ट है, वो कह रही है मैं नहीं खाऊंगी आज। फास्ट होगा तेरा, सबसे पहले खाएगी। अभी आपको इसका खाना दिखाती हूँ। चलो ये पापा और मम्मी का चल रहा है फोटोशूट। बचपन में हम यहाँ से आते थे ये रास्ते, और कोई रास्ता नहीं था। ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये रास्ता था नीचे मेन गेट में मिलता है, नीचे जो वहाँ पर दो मोड़ है। अब इतने रास्ते बन गए, पहले ये रास्ता था पुराना। अच्छा, और पहले माता की मूर्ति भी पुरानी थी, छोटी मूर्ति थी, बहुत पुरानी थी वो। अब ये कुछ साल पहले नई लगाई। अच्छा, पहले गाड़ियाँ बहुत कम थी ना, ठीक है, तो हम पैदल आते थे हलमोड़ा से कसार देवी। सुबह आते थे और शाम को वापस जाते थे, चल लेते थे। कितना मजा आता था। कौन कौन आते थे? सारे भाई बहन, सब भाई बहन, सब रिश्तेदार। खाना आलू और पूरी लेके आते थे, यही खाते थे मंदिर में, बहुत बढ़िया लगता था। अब तो सब भीड़ भाड़ हो गई। अच्छा, यहाँ से जाने का? अच्छा, तो हम आ गए हैं अभी मोहन्स कैफे। अगेन हम यहाँ इससे पहले बुआ लोगों के साथ ही आए थे। चलो
ये है अंदर रेस्टोरेंट और बाहर भी स्पेस है बैठने की बहुत अच्छी, काफी अच्छी। उधर पूरी और ये लोग बोल रहे हैं कि क्लोज है, किसी की बुकिंग है, बट अभी देखते हैं वरना फिर कहीं और जाएंगे हम। क्या सत्याश चल रहे हो? मम्मी लोग तो आई नहीं रहे, फिर सत्याश ही चलते हैं। आए बुकिंग रहता है वैसे, क्लोज तो इन्होंने लिखा है, पढ़ा नहीं क्या? मैं तो पढ़ लिया था, मैंने कहा फिर। हम आ गए हैं सत्याश रूफटॉप रूफटॉप कैफे और अब हम जा रहे हैं नीचे, होपफुली ये बुक्ड ना हो। मम्मी लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या खा रहे हैं। वैसे इसका नाम तो कसार हिमालयन हाइट्स है, बट ये सत्याश कैफे के नाम से फेमस है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ गाइस, मैं इससे पहले कभी नहीं आई। ऑलमोस्ट हर कैफे आई हूँ पर यहाँ नहीं आई हूँ, और आज ही आई हूँ। चलो देखते हैं, एक्सपीरियंस बताऊँगी फिर आपको। अभी हम ईजा के लिए पैक करा रहे हैं। क्या क्या पैक करा है? चौमिन। और पापा बैठे हैं यहाँ पर। पापा कैसा लगा सत्याश? सत्या ने हत्या कर दिया। सत्या ने हत्या कर दी हमारी। बहुत बहुत ही गंदा खाना था और बेकार बिल्कुल। और मतलब जैसे उन्होंने पैसे रखे थे हर चीज के, वैसा खाना नहीं था। मम्मी कैसा लगा? बेकार, उल्टी आने का मन हो गया। मैंने आधा बर्गर खाया, बहुत ही गंदा। अभी हम आए सरस्वती। अच्छा अच्छा अच्छा, आजा। पैर में लग गई। आजा चल, आजा। घर आ गए हम। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। अब मैं चेंज वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस चित्तय मंदिर जो है वो है गोलू देवता का मंदिर, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा कि चित्तय गोलू देवता मंदिर है, एग्जिस्ट करता है। मतलब वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि कुछ भी विश मांगो तो पूरी होती है। और वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे लेटर्स वगैरह हैं, सबने टांगे हुए थे ना, मतलब पूरा लेटर्स और घंटियों से भरा हुआ है। तो वो लोग कोई भी वहाँ पे जाता है तो अपनी विश लिख कर जाता है और उसको वहाँ पे टांग देता है अपने लेटर को, और घंटी भी चढ़ाते हैं, और फिर वो विश पूरी होती है। एंड फिर वहाँ पे जाके हम थैंक यू बोलते हैं भगवान जी को, मेरी भी विशेस पूरी हुई है। और इस बार भी मैं मांग के आई हूँ, लेटर तो नहीं टांगा मैंने, बट मैं विश ज़रूर मांग के आई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।